नमस्कार, मीडिया टुडे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति कौर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मीडिया टुडे समाचार। तो देखते हैं क्या है खास आज जिले में और प्रदेश में आपके लिए। जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट की जल्द होगी टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन प्रक्रिया जारी। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से जिला चिकित्सालय परिसर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यह ऑक्सीजन प्लांट विगत लगभग 2 माह से निर्माणाधीन है और अब प्लांट की जरूरी मशीनें पहुंच गई हैं तथा इंस्टॉलेशन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कार्यपालन यंत्री PIU पटले ने बताया कि जिला चिकित्सालय के ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 1115 लीटर प्रति मिनट है। इस ऑक्सीजन प्लांट का इंस्टॉलेशन कार्य विगत दिनों से जारी है, जो आगामी 2-3 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑक्सीजन प्लांट की टेस्टिंग का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। फग्गन सिंह कुलस्ते को मिला इस्पात राज्य मंत्री के साथ ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का अतिरिक्त विभाग। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के तौर पर प्रथम नगर आगमन पर केंद्रीय मंत्री कुलस्ते का हुआ भव्य स्वागत। क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में इस्पात राज्य मंत्री के साथ ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का अतिरिक्त विभाग दिए जाने के उपरांत प्रथम नगर आगमन पर क्षेत्रीय जनों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत उपरांत सांसद निवास में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे जिले के सांसद आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी को इस्पात मंत्री के साथ साथ ग्रामीण विकास का भी प्रभार मिला हुआ है और पूरे भारत में यदि हम देखा जाए कि जो केंद्रीय मंत्री मंडल है उसमें विशेष रूप से हमेशा एक आदिवासी नेतृत्व के रूप में फग्गन सिंह कुलस्ते जी को स्थान मिलता रहा है और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रही है कि इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को हमेशा ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में उच्च स्थान दिया। नगर के प्रवेश स्थल विट्ठल ढाबा पर विशाल जनसमूह एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा एवं पुष्पहारों से स्वागत किया। तदुपरांत कटरा, बिजिया, तिराहा, लालीपुर, बस स्टैंड, चिलमन चौक, बड़ चौराहा, रेड क्रॉस भवन, नगर पालिका, बैगा बैगी चौक, नेहरू स्मारक में उपस्थित आमजनों एवं कार्यकर्ताओं ने श्री कुलस्ते का तिलक वंदन, पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़ा, आतिशबाजी से भव्य स्वागत किया। नगर आगमन पर जगह जगह स्वागत उपरांत सांसद निवास पहुंचने पर परिवारजनों द्वारा श्री कुलस्ते का तिलक वंदन एवं आरती उतार कर अभिनंदन किया गया। आज हमारे जिले के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने माननीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी को, जिनके पास पहले ही से इस्पात राज मंत्रालय का भार प्रभार था, उनको एक अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार दिया, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। रूरल एरिया से वो आते हैं, वैसे ही आदिवासियों के बड़े नेता कहलाते हैं और इस मंत्रालय को दे के माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस जिले का मान बढ़ाया है, हम सब कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया है और इसी उपलक्ष में जिले भर के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी संगठन, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, आम जन, व्यापारी गण, सभी लोगों ने माननीय कुलस्ते जी का हार्दिक आत्मीय स्वागत किया। सिंगारपुर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में हुई जोरदार बारिश। मऊगांव अंतर्गत सिंगारपुर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में जोरदार बारिश हुई। बारिश से किसानों के चेहरों पर रौनक आ गई, क्योंकि बारिश नहीं होने के कारण किसान मायूस बैठे हुए थे। वहीं धान की रोपड़ी पानी न गिरने के कारण सूख रही थी। बारिश लगभग 1 घंटे तक हुई, जिससे किसानों को काफ़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण समिति के सहयोग से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार अंकुर अभियान अंतर्गत कुंभ स्थल पर 5 जून से लगातार पौधों का रोपण किया जा रहा है। अभी तक लगभग 1000 पौधे रोपे जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भीष्म द्विवेदी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि जल संरक्षण एवं पौधारोपण समिति और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से कुंभ स्थल में पौधारोपण लगातार जारी है। पौधा हम लोग इसलिए लगा रहे हैं कि जैसे कि कोरोना टाइम पे हम लोग सभी ने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर से कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ये सारे के नेचुरल तरीके से ऑक्सीजन का हम लोग स्रोत बना सकते। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों का मंडला आगमन हुआ। गोंगापा के जिला अध्यक्ष कमलेश तेकाम ने बताया कि हाल ही में
देवास जिले के नेमवार तहसील में 5 आदिवासियों की हत्या कर 12 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया, जिसका विरोध गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा लगातार किया जा रहा है। बताया गया कि 18 जुलाई को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा नेमवार में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें मारे गए 5 आदिवासियों के परिजनों को 3 करोड़ रुपए का मुआवजा, क्षेत्रीय विधायक को सह आरोपी बनाने के साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। आदिवासी समाज संगठित करने में लगे हैं, निश्चित ही हम आंदोलन में सफल हुए हैं। आज हम निश्चित रूप से जो बाहर प्लान हो रहे हैं उनको रोकने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, और हमारे जो कार्यकर्ता गाँव गाँव जाकर उन्हें समझाया जा रहा है कि यहाँ जो कुछ है यही है और यहीं से आप सफल होंगे। विश्व पटल पर भाजपा ने नया स्वरूप दिया है। विपरीत परिस्थितियों में राष्ट्रवादी विचारों का संचार करते हुए काम करने वाली भाजपा आज विश्व की सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता वाली पार्टी बनकर हमें गौरवान्वित कर रही है। इसे संगठित व मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। उक्त उद्गार केंद्रीय राज्य इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा ग्रामीण मंडल मंडला की कार्य समिति में व्यक्त किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अध्यक्ष भीष्म द्विवेदी, राज्यसभा सांसद संपति अहुई के मंडल अध्यक्ष सूर्यकांत जंघेला, थामन बर्मैया, प्रशांत दीक्षित द्वारा भारत माता एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया गया। अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के समस्त जिलों को कुल 8,00,000 COVID-19 वैक्सीन के डोज आवंटित की गई है। जिलों को आवंटित वैक्सीन के मान से प्रदेश में 19 जुलाई को 4,00,000 तथा 22 जुलाई 2021 को 4,00,000 नागरिकों को टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए COVID-19 के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीनाथ सिंह ने जानकारी दी है कि COVID-19 टीकाकरण के लिए 16 जुलाई से कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन प्री स्लॉट बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वाई के झारिया ने जानकारी दी है कि आगामी कोविड टीकाकरण 19 एवं 22 जुलाई को किया जाना है, जिसके अंतर्गत जिला मुख्यालय में टीकाकरण प्रति सत्र में 400 नागरिकों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर स्लॉट खोले जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रीनाथ सिंह ने आमजनों से अपील की है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बचाव के लिए अपना ध्यान रखें। एडवाइजरी में उन्होंने कहा है कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए मच्छरों की वृद्धि को रोकने अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। कबाड़ या पात्रों में बारिश का पानी जो भरा है उसे अवश्य खाली करें, मच्छरों से बचाव करें। मीडिया टुडे समाचार आपसे अपील करता है, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।